अगर आप अपने SBI के खाता में नया ईमेल आईडी ऐड करना चाहते हैं या फिर ईमेल आईडी चेंज करना चाहते हैं लेकिन आपके पास इंटरनेट बैंकिंग का यूजर पासवर्ड नहीं है तो कैसे आप चेंज करेंगे बिना ब्रांच जाएं? देखिए, इसके लिए आपके पास रजिस्टर मोबाइल नंबर होना चाहिए जो SBI बैंक में डाला हुआ है। बस आपको क्या करना है, उसी रजिस्टर नंबर से व्हाट्सएप को ओपन कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने व्हाट्सएप ओपन कर लिया जो कि हमारे SBI में नंबर डला है, उसी नंबर से व्हाट्सएप है। अब सिंपल सा आपको करना है, यहाँ पर एक नंबर सेव करना है। नंबर आप ध्यान से देख लें, यहाँ पर जो नंबर है व्हाट्सएप बैंकिंग का, ये वाला नंबर है। इस नंबर को आपको सेव कर लेना है। यहाँ पर नंबर मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। इस नंबर को अच्छे से अपने मोबाइल में सेव करने के बाद किसी नाम से आप सेव कर सकते हैं, जैसे कि हमने SBI व्हाट्सएप बैंक ऐसे सेव किया हुआ है। तो देखिए, जब आप सेव कर लेंगे तो आपको यहाँ पर उसी नाम से सर्च कर लेना है। जैसे कि यहाँ पर मैं आप जिस नाम से सर्च करेंगे, मैंने SBI व्हाट्सएप बैंकिंग नाम सर्च किया है तो वो उसी नाम सेव किया था। और देखिए नंबर, ये नंबर आ रहा है। बस सेव करके आपको एक हाई का मैसेज यहाँ पर सेंड कर देना है। जैसे आप हाई का मैसेज सेंड करते हैं उसके बाद आप देखेंगे उधर से एक रिप्लाई आएगा और यहाँ पर रिप्लाई में कुछ ऑप्शन आएंगे और यहाँ पर एक अदर सर्विस का ऑप्शन आएगा। तो अदर सर्विस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद इस तरह के बहुत सारे ऑप्शन सर्विस से खुल जाएंगी। लास्ट में आपको एक मोर सर्विस का ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर क्लिक करके सेंड कर देना है। जैसे आप सेंड कर देंगे फिर से कुछ ऑप्शन खुलेंगे और फिर यहाँ पर मोर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर देखना है आपको अपडेट ईमेल। ऊपर से नीचे आएंगे, अपडेट ईमेल का एक ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करके सेंड कर देना है। अब आपको सिंपल सा कुछ नए ईमेल आईडी इंटर करना है, नया ईमेल आईडी जो आप अपडेट करना चाहते हैं। तो नया ईमेल आईडी यहाँ पर मैं डाल देता हूँ। ईमेल आईडी डालने के बाद यहाँ पर जो है ओके करेंगे तो यहाँ पर फिर से मैसेज कर रहा है ये कि प्लीज़ एक बार कन्फर्म कर लें आपकी ईमेल आईडी सही है कि नहीं है। तो मेरी ईमेल आईडी सही है तो मैं फिर से सबमिट पर क्लिक करूँगा। उसके बाद यहाँ पर एक आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर OTP जाएगा, जैसे कि देख सकते हैं कि OTP पहुँच गया है। उस OTP को आपको डाल देना है जो आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर जाए। यहाँ पर मैंने OTP डाल दिया है, सबमिट पर क्लिक कर दिया है। तो जैसे ही सबमिट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वी हैव सेंड OTP मेंशन ईमेल आईडी काइंडली इंटर द OTP रिसीव न्यू ईमेल एड्रेस। अब आपने जो नई ईमेल आईडी डाली है उस पर भी एक OTP जाएगा, पहले आपके मोबाइल नंबर पर जाएगा और न्यू ईमेल पर दोबारा जाएगा जब आप ईमेल आईडी डाल के सबमिट करेंगे। तो ईमेल आईडी को ओपन कर ले, उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर व्हाट्सएप बैंक की तरफ से एक OTP पहुँच गया है। उस OTP को यहाँ से कॉपी करके हम डाल देते हैं। तो OTP हमने यहाँ पर सबमिट कर दिया है। सबमिट करने के बाद यहाँ पर देखेंगे, सबमिट करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे योर रिक्वेस्ट फॉर अपडेटिंग और ईमेल आईडी हैज बीन सक्सेसफुली। तो यहाँ पर हमारी ईमेल आईडी जो है सक्सेसफुली अपडेट हो चुकी है। अब यहाँ पर अपडेट होने के बाद मैंने कंफर्म भी किया कि ईमेल आईडी अपडेट हुआ कि नहीं हुआ। तो योनो SBI में हमारा ईमेल आईडी तुरंत अपडेट हो चुका है।